हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बिल्कुल बेसिक्स बात करने वाले हैं यूकेलेले के बारे में। तो मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगा इसको ट्यून कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास कोई भी ट्यूनर होना चाहिए फ़ोन में, जैसे मेरे पास है पिच लैब, तो मैं पिच लैब को ओपन कर रहा हूँ अपने फ़ोन में। सुनाओ, यूकेलेले ट्यून करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है अपने किसी भी एप्लीकेशन पे। आप यहाँ तो सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्ले स्टोर पे गिटार ट्यूनर या फिर यूकेलेले ट्यूनर, मेरे पास पिच लैब पड़ा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम्हें ये डाउनलोड करना होगा तुम्हें ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। सो पिच लैब को तुम ओपन करोगे, अगर तुम ये वाला यूज़ कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन तुम यूज़ कर रहे हो उसमें होगा ये सेटिंग। सो ये तो अभी ऑलरेडी इस पर डिफ़ॉल्ट सेट है यूकेलेले पे, बट अगर सब स्टार्टिंग में ही यूकेलेले पे सेट नहीं होगा तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाना है, जो साइड में आपको दिख रहे हैं, इस साइड पे पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं। थ्री डॉट्स पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे प्रीसेट इंस्ट्रूमेंट पे जाना आपको, और यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गिटार की ट्यूनिंग भी हो जाती है तो आप गिटार भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी बेसिकली हमें यूकेलेले सेट करना है, तो दिस इज़ यूकेलेले की सेटिंग, और हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, बैक किया, एंड देन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूकेलेले की स्ट्रिंग्स आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे चार स्ट्रिंग्स हैं और चार ही शो हो रही हैं, आपको होपफुली दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो ये स्ट्रिंग्स शो होने के बाद आपको कुछ इस तरह से करना है, जैसे ये वाली स्ट्रिंग है, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है ट्यून अप, ऊपर यहाँ पे लिख के आ रहा है ट्यून अप। जब हम इसको हिट कर रहे हैं, ट्यून अप मीन्स इसको टाइट करना है, और टाइट करने के लिए इसको घुमाएंगे ऐसे। सो नाउ आप देखिए, ये मुझे दिखा रहा है इन ट्यून। इन ट्यून मतलब ये ट्यून हो चुका है, ट्यून अप करने का आ रहा है। तो हल्का सा इसको ऊपर में हल्का सा यहाँ से मैं घुमाऊंगा और ये हो जाएगा ट्यून अप, और इन ट्यून बता रहा है तो ये ट्यून हो चुका है। सिमिलरली हम बाकी स्ट्रिंग्स के साथ भी ऐसा ही करेंगे, और लास्ट तक इन स्ट्रिंग्स के साथ हम ऐसा करेंगे, और आपका यूकेलेले एट द एंड ट्यून हो जाएगा। बताने वाला हूँ सबसे बेसिक कॉर्ड, जिसके जो फर्स्ट टाइम यूकेलेले प्ले कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉर्ड हमारा रहने वाला है सी, सो दिस इज सी। तुम देख सकते हो कुछ भी ट्रिकी नहीं है, छोटा सा है, थर्ड फ्रेट पे उंगली रखनी है बस। So this is C major, and the next chord is A minor. This is A minor. काफी इजी है, डायग्राम्स भी आ रही होंगी और क्लोजअप भी आ रहा होगा साथ में। This is F. ये बेसिक कॉर्ड्स बता रहा हूँ मैं यूकेलेले के, एंड लास्ट इज G. ये कॉर्ड प्रोग्रेशन भी तुम बोल सकते हो, लाइक C, A minor, F. अब एक और कॉर्ड आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, ये है ए मेजर, आप देख सकते हो। मेजर में कंफ्यूज मत होना, ए मेजर जो है वो इन दो स्ट्रिंग का है, ये और ये। जो एफ मेजर है वो इस और इसका है, मींस अगर एक ये फिंगर ऊपर करोगे तो ये ए मेजर बन जाएगा, इसको नीचे करोगे तो ये एफ मेजर बन जाएगा। दिस इज डी, दिस इज़ द बेसिक कॉर्ड्स जो एक बिगिनर को आने चाहिए, और बिल्कुल ईजी से कॉर्ड्स हैं, तो मैंने ये आपको बता दी। और एक आपको बेसिक सिस्टमिंग बताऊँगा जो सबसे ईजी रहने वाली है, उसके लिए आपको करना है, इसको करेंगे म्यूट। म्यूट करने के लिए आपको सिर्फ उंगलियाँ रखनी है, प्रेस नहीं करना है, अगेन स्ट्रिंग प्रेस नहीं करनी है, जस्ट उंगलियाँ रखनी है, एंड जस्ट आपको करना है डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन down up up down up up down down up up down up up down। फिर आप इस चीज को प्रैक्टिस करें साथ में, एक बेसिक चीज यूकेलेले की सीख सकते हैं। सो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।